भाभी नहीं उनका कहना कि सपा हार रही है, परिवारवादी पार्टी है और मैनपुरी की जनता जान चुकी है। आपने सही कहा कि मैनपुरी की जनता जान चुकी है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो देश के लिए भविष्य के बारे में सोच रही है और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने बच्चों के हाथों में लैपटॉप पहुंचाए हैं, जिसने सड़क का पूरा जाल बिछाया है, जिसने यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े बड़े चलाए हैं और मैं समझती हूँ चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की है, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो केवल झूठ बोलती है, मंचों से वादे करके जाती है, जहाँ आवारा पशु का मामला आज है, जहाँ आपने कहा था कि होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त देंगे विधानसभा चुनाव में, ये बात कही थी, तो क्या आज जनता को आपने सिलेंडर मुफ्त दे दिए? तो मैं समझती हूँ अभी आकलन का समय है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और ये एक राजनीतिक लड़ाई है। भाजपा के समर्थन में योगी आदित्यनाथ ने भव्य रोड शो किया है, आपके समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई शो होने वाला है? हम तो चाहते हैं कि भव्य आयोजन करते जहाँ पे लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देते, सर्टिफिकेट देते कि आपको हमारी पार्टी ने और सरकार ने आपको रोजगार दिया है, भव्य कार्यक्रम आप करते और आप बुलाते आप अपने हमारे किसान भाइयों को और बोलते कि लीजिए आपकी MSP ये है और आपके सारे कर्जे माफ हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ भव्य आयोजन ये खुद के लिए कर रहे हैं लेकिन सभी वर्गों के लिए इन्होंने क्या किया ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मैम बीजेपी के बड़े नेताओं का फोकस उत्तर प्रदेश में, वैक्सीन की जो ये बात आई है ये बहुत ही संवेदनशील बहुत ही नाजुक मुद्दा है क्योंकि आज हम देख रहे हैं लगातार युवाओं की जान जा रही है हार्ट अटैक की वजह से या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, और कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन का जो खेल हुआ है और जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो 300 करोड़ रुपए देकर स्वीकृति दी गई कोविशील्ड को कि जाइए वैक्सीन लगाइए, तो इसमें ये बहुत ही गंभीर मामला है और मैं समझती हूँ जो लोग अपनी जान आज गंवा रहे हैं सरकार को उनको सही मुआवजा देना चाहिए। लेकिन ये वैक्सीन सबसे पहले पंजाब में लगवाई थी जिसका वीडियो भी जारी किया गया था, अब ये तो मैं कैसे बोलूँ कि वीडियो की क्या सत्य था या नहीं सत्य था, इस बारे की कोई मैं पुष्टि कर नहीं सकती, और ये सब पे नहीं हो रहा, ये कुछ वर्गों पे हो रहा है लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, ये कंपनी ने भी माना है, मैम बताया जा रहा है, और जहाँ पे कंपनियों पे हजारों करोड़ों का जुर्माना हो रहा है वही हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भारत में इंडिया में भी ये जुर्माना हो इन कंपनियों पे।